प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है। जैसा कि आपको मालूम है, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल केतु ग्रह की युक्ति कुंडली के किन किन राशियों में भावों में आपको भाग्यवान रंग से राजा बना। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में वृषभ राशि हो, उसमें मंगल केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोग बचपन से ही भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, जीवन में रंग से राजा बनते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में सिंह राशि हो, उसमें मंगल केतु बैठा है, ऐसे लोग इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं, इच्छा अनुसार नौकरी की प्राप्ति करते हैं, इच्छा अनुसार उद्योग व्यापार करते हैं, इच्छा अनुसार इज्जत प्रतिष्ठा की बनती है। जिसकी कुंडली में नौवें भाव में धनु राशि हो, उसमें मंगल केतु का अगर युक्ति हो, तो ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, ऐसे लोग IAS IPS बनते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, समाज में अच्छा यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। जिसकी कुंडली में दसवें भाव में मकर राशि हो, उसमें मंगल केतु बैठा हुआ, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनती मंत्री बनते हैं, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, ऐसे लोग उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, कभी गरीब नहीं होते, किसी पर आश्रित नहीं होते। जिसकी कुंडली में बारहवें भाव में मंगल केतु हो, ऐसे लोग दूर दूर तक भ्रमण करते हैं, विदेश जाते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं, इनका पारिवारिक जीवन सुखदायी होता है, संतान योग्य होते हैं, देश विदेश में नाम फैलाते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण को अपनी कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराना है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425301111 है। इतना कहते हुए ये प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।